हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है TVS कंपनी का इंट्रो 125 cc, और इसका जो इंजन में साउंड आ रहा है तो क्या साउंड आ रहा है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, और साउंड को कैसे ठीक करें ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के जरिए से। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो साउंड कैसा आ रहा है। आपको दिखाता हूँ साउंड क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इसका साउंड जो है फटा आ रहा है, छिड़ 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 कर रहा है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप लोग ठीक करें, जो साउंड कैसे हम लोग चेकअप करें, जो कहाँ का प्रॉब्लम है वही आप लोगों को पहले दिखाऊंगा, उसके बाद काम करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने क्या क्या किया देखिए, हेड का कैप मैंने ओपन किया और टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है वो भी निकाला आप लोगों को दिखाने के लिए जो एक्चुअली किस चीज़ का फॉल्ट है। मुझे तो लगता है टाइमिंग चेन इस बाइक का ढीला है, इसीलिए जैसे घर 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 कर रहा है चाहे जैसे कि, वही हम लोग चेकअप करेंगे। तो यानी कि टेंशनर जो है अभी हमने छोड़ के रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए टेंशनर हम लोगों का एकदम पूरा नहीं जा रहा है, उतना गैप है। अगर पूरा चल जाता तो टाइमिंग चेन हम लोग क्या करते, टाइमिंग चेन नया डालते, लेकिन टाइमिंग चेन हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, टेंशनर जो है ये अटक जाता है, टेंशनर जो है कभी कभी अटक जाता है और टाइमिंग चेन को ऑटो टाइट सिस्टम नहीं कर पाते हैं। ये ऑटो सिस्टम है, मैनुअल नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके ढीला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे कि टाइट होता जाएगा। तो चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं क्या करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक मारतूल भरिए यहाँ पर और किक का ये उपयोग करें, ठीक है, आहिस्ता करके, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। किक का उपयोग करेंगे, चलिए किक का उपयोग करते हैं आहिस्ते करके, ज़ोर से नहीं करेंगे क्योंकि टाइमिंग चेन अगर गिर जाएगा तो भाल भी हम लोगों का बैंड हो सकता है, तो ये सावधानी से काम हम लोगों को करना पड़ेगा। बस दो एक बार किक मारेंगे, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम लोग टेंशनर यहाँ लगा देंगे। चलो टेंशनर को हम लोग अभी टाइट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंशनर को यहाँ से छोड़ देंगे गाइस, ठीक है, हमने छोड़ दिया है और पूरा टाइट भी कर दिया है गाइस, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रॉटल बॉडी फिट करेंगे, फिट करने के बाद साउंड हम लोग का ठीक हो रहा है कि नहीं वही देखेंगे। तो लाइए थ्रॉटल बॉडी, लाइए। चलो थ्रॉटल बॉडी को हम लोग फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअली हम लोग को साउंड ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो भी आप लोगों को बताऊंगा, और हो रहा है तो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को दिखाता हूं जो साउंड हम लोग को ठीक आया कि नहीं। ढक्कन भी लगाएंगे, अभी ढक्कन लगाया नहीं है, साउंड परफेक्ट ठीक है। बंद करते हैं, इंजन ऑयल आ रहा है सब। ढक्कन दीजिए, इसका ढक्कन दीजिए। चलिए ढक्कन लगा दिया है, अब बाइक का साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाइक पर जो साउंड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा आया है, मैं एक पर माइक्रोफोन के जरिए से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, बेहतर से बेहतर आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ, जो मैंने कोई भी पार्ट्स नहीं चेंज किया, सिर्फ टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है उसे खोलकर और स्क्रू ड्राइवर दबा के दो किक मारा और उसका जो टाइमिंग चेन का जो एडजस्ट है एडजस्ट मैंने बना दिया,
और ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो टेंशनर है अब टाइट करेगा। कभी कभी क्या होता है, टेंशनर हम लोग का अटक जाता है, इसकी वजह से बाइक में साउंड क्वालिटी ख़राब आता है। तो कभी कभी आप लोग टेंशनर जो अटक जाता है ना, उसी के कारण ख़राब होता है। तो हर टाइम टाइमिंग चेन हम लोग को बदलने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को टेंशनर ओपन करके देखना है, और जैसे कि आप लोगों को भर के देखना है जो पूरा टेंशनर चल जा रहा है या कुछ गैप है। अगर कुछ गैप है तो टाइमिंग चेन सही है, अगर पूरा चल जाता है तो टाइमिंग चेन उसी दौरान हम लोगों को बदलना पड़ता है। लेकिन इस बाइक में टेंशनर भर के देखा तो टाइमिंग चेन हम लोगों का एकदम बिल्कुल बेहतर से टेंशनर नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैंने वो प्रोसेस किया और बाइक हम लोगों का ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोगों के पास भी होता है, जैसे कि आप लोगों का मन में होता है टाइमिंग चेन की साउंड है, टाइमिंग चेन बदलना पड़ेगा, तो BS6 स्कूटी बाइक स्कूटी जो होता है, टाइमिंग चेन बदलने के लिए हम लोग को पूरा इंजन डाउन करना पड़ता। तो फिर मैंने बाहर से ही वो कोशिश किया और टाइमिंग चेन हमारा मेरा जो था बेहतर से बेहतर था, इसीलिए हम लोगों का साउंड क्वालिटी भी बेहतर आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।